बढ़िया मिट्टी पूरा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय प्रिंसिपल सर, मिस्टर जवाहरलाल जी और आप सब मेरे स्टूडेंट, मैं आपको अपने स्टूडेंट बोल रहा हूँ, आइए नहीं मानते हो? मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम बीटी आकाश है, मैं आकाश ग्रुप ऑफ आईटी के डायरेक्टर हूं और मैं निकल पड़ा हूं इस मेरे महान भारत को विश्व का नंबर वन स्किल हब बनाने। मैं कई समय से प्रयास कर रहा हूं, एक्चुअल में आईटीआई स्किल का सबसे बड़ा सेंटर है। जो स्किलिंग आईटीआई में हो सकती है वो किसी पॉलिटेक्निक में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां सब थ्योरेटिकल बेस होता है। आईटीआई टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है और आईटीआई का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार रह ही नहीं सकता। अगर वो बेरोजगार है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने आईटीआई में कमी है, या तो आईटीआई जहां वो कर रहा है वहां के टीचिंग स्टाफ या वहां के और फैसिलिटी है उसकी कमी थी, या वो टीचिंग स्टाफ इतना एफिशिएंट नहीं था, या आपने जो स्टूडेंट है उसने उतना कंसंट्रेट करके ध्यान नहीं दिया, अन्यथा आईटीआई वाला कभी बेरोजगार हो ही नहीं सकता। उसके पीछे घूमती दुनिया, आईटीआई वालों को नौकरी ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, आईटीआई वाले के पीछे लोग पीछे घूमेंगे, लेकिन ये पूरे देश में कमी है। और जब से सीटीआई का नियम लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि सीटीआई पास आउट को ही नौकरी देना है, टीचिंग स्टाफ में रखना है, पूरे देश भर में लगाया है, तब से धीरे धीरे पूरे देश की आईटीआई बर्बाद हो रही है, क्योंकि सीटीआई जो खोल के रखे वो पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहीं पर प्रॉपर टीचिंग स्टाफ नहीं है। आज की तारीख में जब वहीं वो ट्रेनिंग वाले टीचिंग स्टाफ सही नहीं है तो वहां से जो पैदा होकर टीचर यहाँ आएंगे पूरे देश भर के आईटीआई में वो क्या पढ़ाएंगे? प्रैक्टिकली नॉलेज उनके पास है ही नहीं और आईटीआई टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। इसके लिए मैंने एक अभियान चलाया हूं और उसके अंतर्गत मैं काम कर रहा हूं। मैं उम्र अभी वर्तमान में 72 साल कंप्लीट कर लिया हूं, 73 ईयर रनिंग है और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो मेरा आगे का जितना भी जीवन है, आगे जहां तक भी मैं जीवित रहूंगा, इस देश के लिए काम करूंगा और वो सिर्फ आईटीआई के माध्यम से काम करूंगा और इस देश को विश्व का नंबर वन स्किल हब बनाऊंगा, ये संकल्प लेके मैं चल रहा हूं। अब मैंने अपने परिवार के लिए किसी के लिए भी काम करना बंद कर दिया, मैं पूरा देश भर के आईटीआई के लिए काम करना चाहता हूं। मेरे लिए वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी आईटीआई के स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट है और उनको कैसे आगे बढ़ाए इसी पर मेरा कॉन्सेंट्रेशन है और उसी के लिए मैं पूरा अपना जब तक जीवित रहूंगा तब तक यही काम करूंगा, मैंने संकल्प ले लिया और कोई काम नहीं करूंगा। उसके लिए मेरे पास पूरी प्लान है, तैयारी है। मेरे आईटीआई में मैं पढ़ाने के लिए सब, क्योंकि आज एफिशिएंट स्टाफ है, अब तक मैं सब पढ़ा, मैं ऑलराउंडर हूं, सभी सब्जेक्ट में पढ़ा देता हूं। मेरे यहां हर आईटीआई में सभी ट्रेड की पढ़ाई सिलेबस 15 जनवरी के पहले कंप्लीट हो गया, उसके बाद रिवीजन हो गया। अभी आंजा ट्रेनिंग के लिए भी भेज दिया, आंजा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां से आएंगे 1 महीने का आंजा ट्रेनिंग, 15 दिन का मैं 1 महीना कराता हूं, कहीं कहीं लड़कों को मैं 3 महीना कराता हूं, चल बेटा 3 महीना रगड़ के कर, और 100% प्लेसमेंट है, 20,000 रुपए महीने से आराम से मैं नौकरी दिला रहा हूं, कोई बेरोजगार नहीं रहे। आज आप लोगों को मिलना मेरे लिए मैं सौभाग्य समझता हूं, क्योंकि हमारे आईटी में जितने प्राइवेट आईटी में स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ाई में बहुत कमजोर रहते हैं, ग्रेस से या जैसे तैसे 10वीं पास लोग आते हैं, उससे तो 30% बच्चे अपना या अपने माता पिता का नाम भी सही से नहीं लिख पा रहे, इस स्टैंडर्ड के लड़के हमारे पास आते हैं। आप लोगों के जैसे इतने ब्रिलियंट और मेरिट लिस्ट आने वाले बच्चे अगर हमको मिले तो मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा, हर लड़का मेरे अंदर, हर स्टूडेंट को, अगर आपके जैसे ब्रिलियंट लड़के मुझे मिले, हर स्टूडेंट को मैं 98% मिनिमम से पास करा सकता हूं। हमारे पास बहुत कमजोर स्तर के लड़के आते हैं, उसके बावजूद भी हमने इतनी मेहनत करते हैं उनके पीछे, क्योंकि थ्योरेटिकली वो टिक नहीं सकते, हमको मालूम है, उनका मन लगता ही पढ़ाई, तब तो वो पूरे कमजोर ही रहे, हम प्रैक्टिकली उनको मजबूत कर देते हैं। और दुनिया में आज प्रैक्टिकल की जरूरत है, इंडस्ट्री में हर जगह प्रैक्टिकली मजबूत चाहिए, प्रैक्टिकली ज्यादा डिमांड है, तो हम प्रैक्टिकल को कंसिडर करते हैं, इसलिए आज हमारे लड़के सबसे अच्छे सैलरी पैकेज में जा रहे हैं, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास ईयरली पैकेज मिल ही जाता है सभी लड़कों को,
उसके बावजूद अभी जब से कोरोना काल लगा है, उसके बावजूद जब से 4 साल से पॉकेट में खाने मिल रहा है, लोग देश हमारा कैसा खोखला हो रहा, बर्बाद हो रहा है, एक धर्म मतलब। मैं अपने लड़कों को नौकरी लगा के दे रहा हूं, तो वो जवाब क्या देता है, सर मेरे मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है फैक्ट्री, मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई तेरे घर में फैक्ट्री आ जाएगी क्या? आज 20,000 में मैंने नौकरी के लिए भी जाने तैयार नहीं है लोग। मेरे पास पूरे एशिया से डिमांड है, मुझे टेक्निकल एजुकेशन देते हुए 55 ईयर हो चुके हैं। मेरी खुद की लिखी 150 से अधिक टेक्निकल बुक्स है, और संसार का ऐसे कोई देश नहीं जहां मेरा पढ़ाया स्टूडेंट ना हो। वो जो मेरे पुराने स्टूडेंट ने मेरा नाम रोशन किया है, इसीलिए वो इंडस्ट्रियल के सर आईपी की आईटीएस चाहिए। डेली में 1,000 लड़कों को नौकरी लगा सकता हूँ, इतनी डिमांड है मेरे पास पूरे एशिया से। लेकिन लड़का है कि कोई जाना ही नहीं चाहता है, वो सब बोलते सर आप ही के आईटीआई लड़के थे भैया, मेरा आईटीआई छोटे छोटा है, मैं कहां से लाऊंगा इतने लड़के। लेकिन लोगों को चाहिए ये, तो ये मेन होता है स्किलिंग का। स्किलिंग का एक बढ़िया उदाहरण आपको बतलाता हूं। आपने देखा होगा आप लोग सब तो बाइक चलाती हो, गाड़ी चलाती हो, सब पेट्रोल वाली बैटरी वाली कोई भी हो, तो रिपेयरिंग के बाहर आती है तो जिस दुकान में जाते वहां देखे होंगे कि एक मिस्त्री मालिक जो रहता है वो एक रहता है, उसके बाद में उसके पास लड़के 12-13 साल के लड़के वहां पर सीखने के लिए जाते हैं, और दिन भर उसे पाना मार खाते हैं, गाली भी खाते हैं, सब करते हैं। उसके बावजूद वो करते करते जब 18 साल का बच्चा होता है वो इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि उसके पास चाहे 4-व्हीलर हो चाहे 2-व्हीलर हो, दोनों वर्कशॉप में ही होता है कि आईआईटी का प्रोफेसर, ऑटोमोबाइल का प्रोफेसर, वो भी गाड़ी बनाने उनके पास भी जाते हैं, खुद भी बना सकता। इसको कहते हैं स्किलिंग, रियल स्किलिंग। वो लड़के कभी बेरोजगार नहीं रहते। मेरे यहाँ इलेक्ट्रीशियन के फर्स्ट ईयर के लड़कों को पिछले साल मैंने रिवाइंडिंग के लिए ऑन-जॉब ट्रेनिंग भेजा 3 महीने तक कराया। उन्होंने 0 हॉर्सपावर से लेकर 100 हॉर्सपावर तक की मोटरों का रिवाइंडिंग कर दी, सीख भी लिए, मजबूत हो गए। वो लड़के कभी बेरोजगार रहेंगे? आज गांव जा कहीं भी खोल लेंगे दुकान तो 1 साल के अंदर 50,000 रुपये महीना कमाने के लायक बन जाएंगे। ये होती है स्किलिंग का जज्बा, और क्या करना चाहिए। मैं जीवन भर पूरा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल गया हूँ, और मेरी जो 150 किताबें पूरी प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, उसी पर मैं काम करते रहता हूँ। आज आप कोपा का जैसे आपने बताया जितना सिलेबस हुआ, मेरे मैनेजर में 10% सिलेबस में आपका कंप्लेंट नहीं हुआ, उससे क्या हो? सिलेबस मेरे यहाँ छुट्टी नहीं देता, आप लोगों को बहुत गवर्नमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट आइडिया गवर्नमेंट नियमों से चलेगा, लेकिन वो नियम मुझे पालन करना, लेकिन मैं पालन करता हूँ। सोमवार से लेकर शनिवार का कंटिन्यू क्लास चलती, जरूरत पड़ती मैं संडे को बुलाता हूँ, 9 से 5 रगड़ के चलती रहती है क्लास, तो सिलेबस खत्म हो जाए। क्यों? कभी किसी की कोई तबियत खराब हुई, कुछ भी हो सकता है, कोई टीचर एब्सेंट हो सकता है, कोई टीचर नौकरी छोड़ के भाग सकता है, तो जितना है उस समय तक पूरा मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी का यूटिलाइज करके लड़कों को दे देना, क्योंकि आईटीआई में जो आपको एक नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज जीवन में कभी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अल्टीमेट नॉलेज आईटीआई मिलता है, बशर्ते आईटीआई ईमानदार से वो नॉलेज दे। आज धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि जो सीटीआई वाले टीचिंग स्टाफ आ रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है प्रैक्टिकल में, इसलिए अब मैं खुद पढ़ा देता, लेकिन अब मैं कब तक पढ़ाऊंगा? मेरी भी एक शरीर क्षमता, अब 73 ईयर रनिंग है और कितना दम मारूंगा मैं? तब भी आज मैं सुबह 3 महीने से उठ के रात के 11 बजे तक मैं काम करते रहता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, इंग्लैंड बेस्ड कंपनी से पूरे सॉफ्टवेयर बनवाए हर ट्रेड, और सॉफ्टवेयर पढ़ाए पूरे स्मार्ट क्लास में होती है। मेरे यहाँ भी 15-15 लाख रुपए के एक एक स्मार्ट क्लास लिए, कैलिफोर्निया यूएसए से मंगाया, सॉफ्टवेयर बनवाया, उसके थ्रू पढ़ाई होती है, पूरा वीडियो एडिमिशन सब करेगा, तो किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं। आप सब के लिए मैं आज आपको वचन देता हूँ कि अगर कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी करने होगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में बहुत सारा काम किया है, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें मेरे लाइव क्लास को डाल रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्लासेस डाल रहा हूँ, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट डालूंगा। अभी मैक्सिमम जो है उसमें वीडियो कोई इंग्लिश मीडियम में, धीरे धीरे उनको देश पहले सबसे पहले हिंदी में उसको कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी टाइम नहीं रहता, तो टाइम निकाल के करना है, और हिंदी के बाद में भी देश भर की जितनी लैंग्वेज है सब में मैं उसको चेंज करूंगा, और सभी भाषाओं में मैं उसको डालने वाला हूँ पोर्टल। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उसको
बेल आइकन दबाओ, जो भी वीडियो आते रहते हैं आपको दिखते रहे।